अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं आ चुका हूँ केविल मंडी में आ चुका हूँ। सब देख सकते हैं यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऊँट हैं। तो मैं अभी आया हूँ रात में, मैं जल्दी आने की कोशिश की थी लेकिन मैं कुछ मसरूफियात की वजह से आ नहीं पाया हूँ मैं जल्दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऊँट हैं। तो अभी हमें हर एक तो नहीं, मतलब कि कुछ ऊँटों की मैं आपको बारे में बताऊँगा और चीज़ें बताऊँगा, प्राइस भी बताऊँगा। देख सकते हैं दो ऊँट आ रहे हैं, तो इनके ज़रा देखते हैं। अब हम चलते हैं ऊँटों की जाने और फिर पूछते हैं इनके प्राइस और सारी चीज़ें। तो गाइस मैं आ गया हूँ। तो जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? अली हसन। अली हसन साहब, तो ये आप पीछे जो ऊँट खराब है, कौन सा ऊँट है, कौन सी नस्ल है? लाड़ी है। लाड़ी नस्ल है? हाँ। अच्छा, मैंने सुना है लाड़ी सबसे अच्छी नस्ल होती है ऊँटों में। ऊँटों में पहले नंबर की ये नस्ल है, बड़ी, पहले नंबर बड़ी से बड़ी। अच्छा, और ये कितने दांत का है ये ऊँट? ये 9 से 8 तक, 9 लाख से 8 तक है। अच्छा, और इसके पैसे कितने? 9 लाख रुपए इसके पैसे हैं। अच्छा, तो ये काला कलर, ये मेहंदी लगाई हुई है या इसका असल कलर ये? इसका असल कलर थोड़ा पॉलिश की हुई है। अच्छा, और ये कितने रंगों में आते हैं? ये 3-4 रंग में आते हैं। 3-4, कोई वाइट वाला, 4-5 रंग है इसका। अच्छा, और ये क्या वजन कितना होगा इसका? इसका वजन 25-27 मन का होगा, 30 मन तक। अच्छा, तो गायों की ऐसे 2 दांत से कुर्बानी कर सकते हैं, तो इनकी कितने दांत से कुर्बानी हो सकती है? ये 2 दांत से 4 तक 5 तक हो सकती है, 6 तक। अच्छा, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारे ऊँट है। और उस वाली का क्या प्राइस है, उस वाली के पैसे? उस वाली का 8 लाख रुपये। उसके 8 लाख रुपये हैं। वो कितने दांत है? 6। माशाल्लाह से देख सकते हैं। और चलवा कर दिखा देंगे ऊँट, ऊँट चला कर थोड़ा सा दिखा देंगे। तो देख सकते हैं गाइस, माशाल्लाह से बहुत प्यारा ऊँट है। आप देख सकते हैं इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ज़्यादा ऊँटों के बारे में पता नहीं है, तो मैं ज़्यादा पूछ नहीं पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैवी ऊँट है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कैसे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैवी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शरीफ है। अगर बिदक जाए तो हम क्या करें इनके साथ? मोहब्बत से लड़ेंगे नहीं, गरीब जानवर है प्यारा। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शरीफ है, तो आप देख सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा ऊँटों के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे नहीं पता, तो जो मैंने पूछा है वो ये बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत। और ये खाने में क्या खाता है? मूंग कटी, ग्वार की कटी, दाना, कनकी का छिला। अच्छा, और ये अगर हमें, ये कितने दिन तक प्यासा रह सकता है? मैंने सुना बहुत 1 हफ्ते तक प्यासा रह सकता है ये। 7 दिन तक चल सकता है ये खाना भी, 7 दिन तक पानी, 7 दिन का राशन रखता है पेट में। अच्छा, माशाल्लाह से, तो आप माशाल्लाह से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जॉइंट, बहुत ज़्यादा जाइगेंटिक है। तो देख सकते हैं ब्लैक कलर का, मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव यही किया मंडी में। तो माशाल्लाह से ये सजा हुआ बहुत अच्छा है इस मंडी में, और प्यारा भी बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम पिछले साल जो मैं मंडी में आया था, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी उसकी, तो उसमें ना लाइटिंग नहीं हुई हुई थी, बिल्कुल भी लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं था, लेकिन इस बार लाइटिंग का इंतज़ाम इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। लाइन में रोड पर अच्छी ज़्यादा लाइटिंग की हुई है, लेकिन पीछे भी सही हुई हुई लाइटिंग, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डांचियाँ ये चीज़ें आई हुई हैं। इस बार पिछले बार से ज़्यादा क्वांटिटी में इस बार आए। मैं लास्ट टाइम जब आया था यहाँ पे, ये दूसरी जगह पे लगा हुए टेंट, और लास्ट टाइम जो था यहाँ पे पास के बगैर अलाउ नहीं कर, पास के बगैर अलाउ था, लेकिन इस बार पास लिया जा रहा है यहाँ पे कार लाने के लिए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ऊँट है यहाँ पे, और थोड़े से और ऊँटों के बारे में आपको दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ क्या क्या चीज़ें। तो गाइस अब ये वाले ऊँट चलाने बड़ा बुरी तरह ये क्या कर रहा है? तो कैसे, मैं ज्यादा नहीं चला रहा, मैं अभी मोड़ने वाले बहुत बुरी तरह डर लग रहा है अभी।
तो गाइस मैंने चला लिया ऊंट ज़्यादा, तो मैं चला नहीं पाया क्योंकि डर लग रहा था मुझे। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके के ऊंट है, और इन्होंने इसके 7 लाख रुपए डिमांड की है, 7.5 लाख रुपए इसके इसकी डिमांड है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये भी लाड़ी है नस्ल इसकी, तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बड़ा ऊँट है ये, और हैवी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ऊँट भी चला लिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे ऊँट आए हुए हैं। तो यहाँ पर डांचियाँ भी हैं, तो आप देख सकते हैं ये वाले ऊँट है। तो मैं प्यार तो नहीं करूँगा लेकिन दूर से दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें माशाल्लाह से मैंने इन पे देखा, जैसे टैटूज बने हुए होते हैं ना, तो इन पे भी बने हुए होते हैं, देख सकते हैं आप। इनके मुंह पे ये स्टैम्प्स लगी हुई हैं, इनके बाल बने हुए पीछे का देख सकते हैं, मेहंदी लगी हुई इनके पीछे। तो और मैंने इनकी प्राइस पूछी थी, तो इन्होंने बोला 5.5 हज़ार से 10 हज़ार या 20 हज़ार तक भी इनका काम चले जाता है, पीछे हुआ हुआ होता है। और ये स्पेशल तरीके की एक सीज़र आती है, ये उनसे काम हुआ होता है इनका, और ये 10-20 दिन या 1 हफ्ता भी लग जाता है इनके बाल बनवाने पे। और देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वाली रो है, इसके सारे महंगे ऊँट खड़े हुए हैं, ये जितने भी हैवी जितने भी ऊँट हैं सारे यहाँ खड़े हुए हैं। बैक साइड पे सारे छोटे छोटे मतलब कि कम कैटेगरी वाले खड़े हुए हैं, ये ए क्लास है, फिर बी क्लास के लिए जो लाइटों में, और जो एंड में वो बिल्कुल सी क्लास वाली कैटेगरी है। तो देख सकते हैं ये सारी डांचियाँ हैं, देख सकते हैं सारी डांचियाँ खड़ी हुई हैं, इस पर तो फूल आपके फूल पूरा हार बना दिए तो आप देख सकते हैं वो दूर हो डांचियों से हमेशा दूर रहिए, ऊँट इतना नहीं मारते जितना डांचियाँ मारती हैं, ये मैंने सुना है। तो आप देख सकते हैं मछले तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ बताने के लिए इतना है नहीं, जो इन्फॉर्मेशन थी वो दी थी, और कुछ और नस्लें भी हैं इन्होंने बताई थी, अजीब से नाम थे, मैंने आपको ज़्यादा सुनवाया नहीं। वो जो सबसे अच्छा वो लाड़ी है जो मैंने आपको दिखा दिया, और बाकी ऐसी नॉर्मल कैटेगरीज के हैं। तो इनके प्राइस जो बताए इन्होंने बताए हैं 3 लाख 2 लाख ऐसे चलने, कोई भी 1 लाख के अंदर नहीं है यहाँ पर मैंने जो देखा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इस बार ऊँट आए हुए हैं, जैसे गाय भी बहुत ज़्यादा, बकरे भी बहुत ज़्यादा महंगे आए हुए हैं, इसी तरीके से यहाँ पे ऊँट भी बहुत ज़्यादा ही महंगे आए हुए हैं, बजट से बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं सारे ऊँट। तो आप देख सकते हैं मैं जैसे मैंने वाले ऊँट दिखाए 7 लाख, पीछे वाले दिखाए 9 लाख 8 लाख, तो इस तरीके के सारे ऊँट हैं। तो मैंने जैसे कहा था, तो ये अभी एक वीडियो बनाई है ऊँट के ऊपर, तो मैं जाऊँगा गाय मंडी में, गाय मंडी की भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो प्लीज़ उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। तो ऊँट के मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूँगा ले पाया, और आज वीडियो में इतना ही है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अल्लाह हाफ़िज़।